हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम लाइफस्टाइल। और याशिता जा रही है ट्यूशन और उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं उसके लिए रेड सॉस पास्ता बनाऊं। तो देखिए, हम लोग बनाते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अब मैं अपने किचन में चलती हूँ और शुरू करती हूँ बनाना। और मैं भी पूंछ की तरह पीछे पीछे आऊंगी। आप किसकी तरह पीछे पीछे आओगी? पूंछ की तरह। ओके, तो फिर चलो, अब आपको ट्यूशन जाना है ना, मैं बना के रखूंगी। ठीक है, बाय बाय। तो आइए शुरू करते हैं पास्ता बनाना। तो सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है एक छोटी गाजर। गाजर को मैंने कद्दूकस किया, बिल्कुल बारीक काट लिया। ये शिमला मिर्च, ये चीज, और पास्ता मैंने बॉईल करके पहले से ही तैयार किया, इसे नमक डाल के बॉईल कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये कैसा खिला खिला हो रहा है। तो आइए बनाते हैं पास्ता। तो हमारा तेल गरम हो रहा है, तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का प्याज 1 चम्मच। जब ये हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अदरक, गाजर और शिमला मिर्च। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो रहा है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? 2-3 दिनों से मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ कुछ चलता रहता है बस, इसीलिए। याशी के एग्जाम भी चल रहे थे, उसके क्लास टेस्ट चल रहे थे, तो बस इसीलिए सारा दिन इधर उधर में निकल जाता था, तो बस ऐसे ही चल रहा था। और बताइए आप लोग कैसे हैं? और मैंने बोला था कि आप लोग मुझे और कमेंट करिए आप लोग कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं वो स्पेशली आप लोग के लिए बनाऊंगी। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैं अपने घर में रूटीन में बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो ये हमारा हो रहा है और इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और आज पता है मैंने चाय भी नहीं पी, तो इसके साथ साथ चाय भी बनाती हूँ। आप लोग को तो देख नहीं सकती, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं और मेरे साथ पी सकते हैं। वैसे तो मैंने ये हो गया है, वैसे मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर ही डाला। आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी अपनी पसंद होता है। याशिता यही खाती है, फिर वो सब निकाल निकाल के अलग अलग रखती है, तो मैंने इसमें ये डाला। लेकिन आप भी अपने हिसाब से, मैंने कहा था ना, हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, और बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, बाकी सब लोग सेम ही बनाते हैं। तो बस, तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट पास्ता मसाला डालते हैं, पेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच हमने ये डाला और इसको चला देते हैं। तो इसको 2 से 5 मिनट होने देते हैं हम। तो इसमें हमने पास्ता मसाला पेस्ट प्यूरी जो आती है पास्ता मसाला वाली, वो डाल दी है। तो ये हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पास्ता। चला, तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और बस, और हम इसमें थोड़ा सा नमक, इसमें हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे अपनी चॉइस से। तो अब इसको 5 से 5 मिनट ढक के हम इसे पकने देते हैं। और हम इसके ऊपर जो मैंने चीज बोला था, ये स्लाइस वाले चीज है जिसे मैंने चॉप कर लिया, तो हम ऊपर से ये डाल देंगे इसमें। तो ये इसमें मेल्ट हो जाएगा।
थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आप लोग कुछ और बोलते हैं, मैं कुछ और बोलती हूँ, तो आप लोग समझते हैं। और बस ये जब बनके तैयार हो जाए तो हम इसमें एक एक बड़ा चम्मच सॉस डाल देंगे ऊपर से, जो मैंने इसमें निकाल के रखी है। तो बस अब 5 मिनट में हमारा पास्ता बनके रेडी है। हे गाइस, तो मेरा पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है और ये रहा मेरा पास्ता, और आप लोग भी खाइए मेरे साथ, एंजॉय करिए। मैं गरम गरम पास्ता एंजॉय करूंगी चाय के साथ, और काश मैं आप लोग को भी खिला सकती, लेकिन कभी मौका मिला तो जरूर। ओके, बाय बाय।